9 सालों से घरेलू क्रिकेट में जी तोड़ मेहनत करने वाले सरफराज खान को आखिर उस मेहनत का फल मिला और टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुंबई से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सरफराज खान अब टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बिल्कुल ही करीब आ गए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले के लिए सरफराज खान को टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया गया। मिडिल ऑर्डर के सबसे धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान आईपीएल पहले ही खेल चुके हैं, लेकिन अब उन्हें भारतीय सीनियर टीम में जगह मिल गई। सरफराज खान का घरेलू करियर अभी तक काफी शानदार रहा है, ऐसे ही उन्हें घरेलू क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन नहीं कहा जाता। सरफराज ने अभी तक 45 फर्स्ट क्लास मैच के 66 पारियों में बल्लेबाजी की और 3912 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक तो वहीं 11 अर्धशतक बनाए हैं। घरेलू क्रिकेट में राज करने वाले सरफराज के पास अब मौका है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करे और टीम में अपनी जगह पक्की करे। दूसरे मुकाबले के लिए सरफराज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है या नहीं, ये टीम मैनेजमेंट को तय करना है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सरफराज को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।